उपाय होना चाहिए। तो इस संदेश से मुझे भी आज एक मौका मिला है कि मैं अपनी दिल की बात आप लोगों तक पहुंचा सकूं। ये चीन जो कि छोटी छोटी चीजें छोटे छोटे आइटम बनाकर यहाँ तक कि एक चाबी का रिंग तक भी जो है वो चाइना से आता है और मेरे बाजारों में खूब धड़ल्ले से बिक जाता है। और यहाँ पर गरीब लोग दिन रात मेहनत करके अपना सामान नहीं बेच पा रहे और भूखे मर रहे। कोई सड़कों के किनारे भूखा रहता है, कोई झुग्गी झोपड़ियों में रह रहा है, कूड़ा उठाने वाले लोग हैं, जैसे तैसे करकर बहुत पिछड़े पिछड़े और पिछड़े ही जा रहे हैं। इनको आगे बढ़ाने के लिए हमें पराये देश से आने वाली चीजों को बिक्री को या उनसे आयात निर्यात बंद कर देना चाहिए जो अपने देश में है। जैसे कहा जाता है कि अपने घर की दाल रोटी वही खानी चाहिए, बाहर के पन्ने पुलाव में कुछ भी नहीं रखा। तो इसीलिए जो दाल रोटी में सुख है वो किसी और चीज में नहीं। चीन से आने वाले सब सामान का बहिष्कार किया जाए और उसको देश में दोबारा बॉर्डर से ही नहीं आने देना चाहिए, बंदरगाहों से ही वो देश से ही नहीं आना चाहिए। अगर वो देश में आ जाता चाहिए तो उसका बहिष्कार हमें रोज मिलना और एक साथ करना चाहिए। और इसमें सब भाई बहन बुजुर्ग नेता जो भी है बढ़ चढ़कर आगे उसको सहयोग करना चाहिए। आज राजीव भैया ने मुझे ये मौका दिया कि मैं यहाँ बोल सकूं। बोलने को तो और भी बहुत इंसान बोल सकता है, लेकिन अभी चीन का मुद्दा है तो हमें इसी में अग्रसर होकर अपने वीरजी जो आए हुए हैं उनका साथ देना चाहिए और आगे से आगे बढ़कर इनका बहिष्कार करवाना चाहिए। जो चीन का सामान खरीदेगा उसको आगे से हमें समझाना चाहिए कि अपने देश की रोटी अपने देश में रहने में बाहर जाके लोगों को ना खाने दी जाए। अपने देश में अगर हमारा पेट भरा होगा